अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाहिका वर्ल्ड से मैं मोहसिन आज आपके सामने एक और रेसिपी के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। ये रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। हमारे दिन की शुरुआत हेवी ब्रेकफास्ट के साथ करना चाहिए तो सारा दिन एनर्जेटिक रहेगा। तो चलिए खिचड़ी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसके लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो देख लेंगे। हमें चाहिए बासमती राइस, मूंग दाल, कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, हल्दी पाउडर, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची, करियल, मोटा नमक और तेल। आप भी फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों। मैंने चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो के रख लिया है। अब स्टोव ऑन करके पतीला रखकर तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद तेजपत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, करियल और कटी हुई प्याज डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। दोस्तों प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच से कट करके रख लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर रॉ स्मेल जाने तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालकर फ्राई करेंगे। फिर उसमें हल्दी, हरा धनिया, हरा धनिया और पुदीना भी डालकर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, इस ग्लास से मैंने 4 ग्लास चावल और 1 ग्लास मूंग की दाल ली है, तो मैं चावल से दुगना पानी यानी 8 ग्लास पानी डालूंगी। मैंने 8 ग्लास पानी डाल लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे। मैंने मोटा नमक डाला है, आप चाहे तो आयोडाइज साल्ट भी डाल सकते हैं। अब लिड ढककर पानी उबलने के लिए रख देंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है। पानी को छानकर हम इसमें चावल डाल लेंगे। और उसके बाद इसी तरह से मूंग की दाल भी डाल लेते हैं। अब चम्मच से हल्के हाथों से हिलाकर लिड ढककर पानी सूखने तक रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 हिस्से पानी सूख गया है। अब फ्लेम को लो करके दम को रख देंगे। चावल नीचे से जल ना जाए इसलिए मैंने पुराना तवा रख दिया है। देखिए स्टीम सारी बाहर निकल रही है, इसलिए मैं इस पर एक सूखा सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा इस तरह से डाल देती हूँ। और इस पर थोड़ा वेट भी इस तरह से रख दूंगी। आप चाहे तो फॉइल पेपर से कवर कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए दम को रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हमारी खिचड़ी कैसे बनी है।
ये देखिए हमारी खिचड़ी कितनी अच्छी और खुशबूदार बनी है। बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। और देखिए हर दाना भी कितना खिला खिला है। एकदम परफेक्ट बनी है हमारी ये खिचड़ी। इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। खिचड़ी को आप नाश्ते में बना के खाइए, बहुत ही बेहतरीन दिन की शुरुआत होगी। इसके साथ एग मसाला फ्राई और पुदीने की चटनी को सर्व करें। ये एकदम बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आप इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं। एग मसाला फ्राई और रायते का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप पुदीने की चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर भी जल्द ही वीडियो बनाकर डाल दूंगी। आपको हमारे रेसिपीज पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।